फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ दांतों में से कीड़ा निकालने का अचूक घरेलू नुस्खा। तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे इस चैनल लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। बहुत लोग सोचते हैं कि दांतों में कैविटी होना अर्थात कीड़ा लगने के बाद वो कभी सही नहीं होते, जबकि ये बिल्कुल मिथ्या है। ये सही हो सकते हैं, हाँ इसमें समय जरूर लगता है, मगर ये सही हो सकती है। दांतों में कैविटी होना अर्थात दांतों का खत्म होने का संकेत कैविटी होना, जिसको साधारण भाषा में हम कीड़ा लग जाना बोलते हैं। कीड़ा लगने के बाद कुछ दिनों बाद अक्सर या तो फिर कीड़ा निकलवा कर दांतों को भिजवाओ, या फिर कभी कभी अवस्था इतनी खराब हो जाती है कि दांत या जड़ ही निकलवानी पड़ जाती है। ऐसे में अगर आप ये नुस्खे अपना लेंगे तो आपको दांत निकलवाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानें इसके बारे में। सबसे पहले ये जान लें कि दांतों में कैविटी लगने का बड़ा कारण है चीनी से बने हुए पदार्थ, जो अत्यधिक चिपचिपे होने के कारण दांतों से चिपक कर रह जाते हैं। ऐसे में ये समस्या बच्चों में देखने को आम ही मिल जाती है। ऐसे माँ बाप को जो बच्चों को बचपन में उनकी जिद के कारण टॉफी या चॉकलेट या ऐसी मीठी चीजें खिला देते हैं, और वो बच्चे आने वाले कुछ सालों के बाद अपनी दांतों से परेशान हो जाते हैं। जो लोग कैविटी से बचना चाहते हैं, वो पहले तो ये चीजें खानी बिल्कुल बंद कर दें, और दूसरा अगर लोग गुटखा सुपारी खाते हैं तो वो बंद कर दीजिए, ताकि वो अपने दांतों को बचा सके। हमारे दांत की संरचना में मिनरल, विटामिन ए और डी और कैल्शियम की अहम भूमिका रहती है, इसलिए इनको बचाने के लिए इनकी पूर्ति अति आवश्यक है। भोजन में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनसे ये जरूरतें पूरी हो सकें। दूसरा, दांतों को नायलॉन की ब्रश और टूथपेस्ट से घिसना बंद कर दीजिए। इसकी जगह मंजन का इस्तेमाल करें। मंजन सही से उपयोग करने का तरीका है कि मंजन को उंगली से मसूड़ों और दांतों पर अच्छे से 10 मिनट तक लगा कर रखें, और फिर मुंह से गंदा पानी निकलेगा। 10 मिनट के बाद दांतों को साफ पानी से धुलाई कर लीजिए। अब आइए जानते हैं कैविटी के दांतों के लिए घर पर बनाई गई खास मंजन। बबूल की लकड़ी का कोयला 20 ग्राम कूटकर कपड़े से छानकर रख लें। 10 ग्राम फिटकरी को तवे पर सेक लीजिए, ये बिल्कुल चूर्ण बन जाएगी। 20 ग्राम हल्दी, इन सभी को अच्छे से मिला लीजिए। अभी सुबह मंजन करते समय इसको लें और इसमें 2 बूंद लौंग का तेल लेकर इसको अच्छे से मिला लें। इस मंजन को करना है, ये मंजन दांतों को कैविटी मुक्त करेगा। सुबह और शाम को 10 ग्राम नारियल का तेल लेकर मुंह में भरें और 10 मिनट तक मुंह में उसको घुमाते रहें, अर्थात गार्गल करें। इसके 10 मिनट के बाद इसको थूक दीजिए। इस प्रकार रात को सोते समय भी करें। इस विधि को गंडुष कर्म भी कहते हैं। इस विधि से दांतों की नव संरचना शुरू होगी। आजकल हमारे पास जो भोजन मिलता है उसमें अत्यधिक केमिकल का छिड़काव होता है, इसलिए इससे बचने के लिए भोजन बनाने से पहले जिस चीज को रात्रि को भिगोया जा सकता है उसको पानी में भिगोकर उसमें एक चम्मच सिरका या नींबू का रस मिलाकर रख दें। इससे फल और सब्जियों में मिले फाइटिक एसिड निकल जाएंगे, जिससे भोजन में मिलने वाला मिनरल और पोषण हमको मिल जाएगा। मिनरल और अन्य जरूरी पोषक तत्वों के लिए आप नियमित वीट ग्रास जूस पीजिए। अगर किसी को स्टोन की समस्या नहीं है, वो इस जूस में गेहूं के दाने के बराबर चूना जो पान में लगाकर खाते हैं वो मिलाकर पिए। इससे कैल्शियम की कमी पूर्ण होकर दांतों को नया बनाने में मदद मिलेगी। तो ये था फ्रेंड्स दांतों में से कीड़ा निकालने का अचूक घरेलू नुस्खा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।